तो हेलो नमस्ते माइनक्राफ्ट, कैसे हैं आप लोग। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा वीडियो। तो यहाँ से हम करना शुरू कर चुके हैं माइनिंग, और मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है कि ये स्टोन कैसा है और इसके लिए मुझे कौन सा हथियार चाहिए होगा, क्योंकि ये उससे टूट तो रहा है लेकिन मुझे कलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी आगे चल के देखेंगे कि हमारा आज का प्लान क्या है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे माइनक्राफ्ट में हम माइनिंग करते हैं, कैसे क्राफ्टिंग करते हैं और कैसे करते हैं लकड़ियों के साथ एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाने का काम। लेकिन आज तो लगता है मुझे ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं भी करते हैं कुछ, देखते हैं अनोखा क्या हो सकता है। ये हैमर कुछ लगता है तगड़ा। इससे देखते हैं, इससे शायद कुछ हो जाए मे बी। ये पेड़ का क्या करें, पेड़ को भी छोड़ ही देते हैं यहीं पे। अभी ले जाने का इसका कोई मतलब नहीं है, मैं देखता हूँ कि आगे अभी इसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है कि नहीं है। पहले तो क्राफ्टिंग टेबल को जो है क्रश कर लेते हैं, क्रश करके पहले कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद। हाँ, ये वाला स्टोन, ये जो इसके अंदर ना कुछ, हाँ ये देखो ये मिला कुछ। अरे ये तो आ ही नहीं रहा कलेक्ट। ओ, इन्वेंट्री फुल है, इन्वेंट्री फुल है। इन्वेंट्री को हम जब तक करते हैं खाली, तब तक आप लोग कर दो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, और लाइक तो बनता है भाई इस वीडियो के लिए, तो लाइक बनता ही है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तब तक हम करते हैं गेम को कंटिन्यू, और माइनक्राफ्ट में आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द जावा एडिशन, और हम लोग करने वाले हैं फुल एंजॉय। और उस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या और कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है आज। अरे जंप ही नहीं हो पाएगा यहाँ से, तो रुक जा तोड़ के फिर उस। हाँ चलो, गुड 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 गुड, आगे चलते हैं आगे। ये देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, जिससे हमें बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही। ये देखो भाई सामने एक कौन सा बॉक्स है, ये तोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये होंगे नहीं कलेक्ट। क्या करूंगा तोड़ के, इन्वेंट्री पूरी फुल है लेकिन इन बॉक्सेस से। अरे ये देखो नीचे वही वाला मौत का कुआं जो पिछले वीडियो में था, पिछले कुछ, हाँ कुछ दिनों पहले कुछ एक वीडियो में मैंने यहाँ पे विजिट किया हुआ था। ये मौत का कुआं मुझे दिखा था लेकिन वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं हुई थी भाई। बाप रे इतना खतरनाक था, क्योंकि अंदर कितने भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए मैंने पहले ही छोड़े। मैंने कहा छोड़ो यार क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं नदी के किनारे, नदी के किनारे थोड़ी सी मुझे लगता है कि उस सामने जो है ना जो यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से, यहाँ कुछ शायद मिल जाए हमें करने के लिए। अच्छा यहाँ पे भी देखो हमने कुछ छोड़ रखा है पहले से ही, इन्वेंट्री पूरी फुल है। क्या रखूं, क्या हटाऊं, क्या नहीं ले चलूं आगे। ये कौन सा है, यक स्लॉप रॉ मटन, क्या क्या करूं यार समझ में नहीं आ रहा कुछ, कौन सी चीजें रखनी है कौन सी ले जानी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ दूँ पता चले कि वो आगे मुझे ज़रूरत पड़े तो उसके बाद तो मैं फंस जाऊँगा। और इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सब एक जैसा है, कुछ ढूंढने लायक ऐसी चीज़ें नहीं है भाई। किस चीज़ को कैसे ढूंढूंगा ये पता नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे मन में थोड़ा सा लालच तो है इन चीज़ों का कि हाँ इन चीज़ों को छोड़ दूंगा तो फिर वो मेरे पास आएंगी कैसे। लेकिन फिलहाल चलो कोशिश तो करना हमारा काम है, और हम करते हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। देख लेते हैं कुछ क्राफ्टिंग ही हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ दिख नहीं रहा है। ये हेलमेट जैसा क्या है यार, इसका नाम क्या है कोई बताएगा मुझे प्लीज, जल्दी से यार बता दो जल्दी से। नहीं होगा कुछ तो होना नहीं चाहिए, नहीं हो पाएगा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास नहीं है, तो
स्टीव का एक फ्रेंड आने वाला था, लेकिन अभी तक वो दिख नहीं रहा है। अरे चैटिंग, मुझे लगा उसके फ्रेंड ने चैटिंग शुरू भी कर दी। तो स्टीव का जो फ्रेंड आने वाला था उसका नाम है जॉन। जॉन अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है और स्टीव ने उसको किया था इस वर्ल्ड में इनवाइट, लेकिन अभी तक दूर दूर तक जॉन कहीं दिख नहीं रहा है। तो चलो ढूंढते हैं थोड़ी देर पहले जॉन को और कोशिश करते हैं कि जॉन हमें मिल जाए और जॉन के साथ ही करेंगे आगे का गेम कंटिन्यू। अभी तो फिलहाल के लिए ये सामने मुर्गी आ रही है, मुझे दिखता रहा जा रहा है। ओए कैसी रही, एक तलवार की धार और मुर्गी ढेर। अच्छा ये फूल किसने लगा रखे हैं यार, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, पूरा गार्डन गार्डन हो गया है। सामने एक पिगी भी दिखा मुझे, लेकिन मुझे उस पिगी का कोई मतलब नहीं क्योंकि इन्वेंटरी फुल है और मेरा पेट भी फुल है, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओए ये क्या है, ब्लैक ब्लैक बाबा बाबा ब्लैक शिप। अरे घोड़े का बच्चा है क्या, इतना छोटा काला सा, देखो इसके ऊपर बैठ सकते हैं क्या, बैठने ही नहीं देगा वो, इतना छोटा है, उसके ऊपर मैं बैठूंगा तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा। अरे 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 ओ ओ भाई ये क्या है, ये तो भयंकर वाला मौत का कुआं है, यहाँ गिरा तो खत्म कहानी, ऊपर आने का कोई चांस नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, बहुत तगड़ा था वो, इतना गहरा तो मैंने अभी तक अपनी रियल लाइफ में भी नहीं देखा होगा कभी। अरे वाह ये देखो मेरे पास क्या मिला मुझे, तोता, कौन सा तोता, लेकिन ये अजीब कलर का है, ये रंग तो इसका नीले रंग का हो गया है, कुछ क्या तोता ही है ये। चलो इसको थोड़ा सीड्स खिलाते हैं, देखते हैं कि क्या आज ये हमारे कंधे पर बैठ के घूमने की कोशिश करता है या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आज इसको बिठाऊं अपने कंधे पे, थोड़ी सी राइड दिलाऊं ताकि ये भी मेरे साथ माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की थोड़ी सी शेयर कर ले। लेकिन ये इतना गधा है, किसने इसको तोता बना दिया, इसको सीट खिला रहा हूं फिर भी ये मेरे कंधे पे बैठने की कोशिश नहीं कर रहा। आजा भाई आजा आजा, इतने नखरे क्यों है तेरे, जल्दी आजा, नहीं आएगा सीट से भी नहीं दूंगा फिर। ये देखो सीट्स देखने के साथ तोता तो नहीं आया लेकिन ये मुर्गी आ गई। अब क्या कह रही है ये मुर्गी, मुझे खिला दो। तुझे तो नहीं खिलाऊंगा, ये है मेरे तोते के लिए, आजा मेरे कंधे पे बैठ और हम चलते हैं करने के लिए माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की राइड। ओए भाग रहा है ये, ओहो भाई नखरे देख लो इनके, नखरे देख लो। चलो फाइनली ये हमारे कंधे पे बैठ चुका है, तो अब वीडियो को करने का है एंड। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।